दोस्तों टाटा मोटर्स जो है वो भारत में बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां जो है लॉन्च करते चले जा रही है, लेकिन कुछ लोगों को जो है गाड़ियों से प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन इस चीज़ में भाई देखिए, अगर फिट एंड फिनिश की बात करी जाए तो टाटा थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन यहाँ पर टाटा ने अपनी टियागो लॉन्च कर दी है और टाइगर लॉन्च कर दी, उसके साथ साथ टाटा की नेक्सॉन आती है जो कि ईवी में आती है। लेकिन आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करेंगे, कुछ साल पहले जो है उसका कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई टाटा की सियारा आएगी या नहीं आएगी। तो देखो भैया, आज के इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे और क्या क्या इसमें मिलने वाला है, क्या इसके प्राइस पॉइंट रहने वाले हैं, सब कुछ बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं, मैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, टाटा की जैसे कि टियागो आ गई है लगभग 8,83,000 रुपए से लेके 10,11,12,00,000, मतलब ऑलमोस्ट जितने प्राइस पॉइंट है सब कुछ क्लियर आपको ऑफिशियल्स पर जाके पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर टाटा सियारा की बात होने वाली है। तो टाटा सियारा की अगर हम बात करें तो भैया देखिए, अगर आपको लेनी है तो भैया देखो, कॉन्सेप्ट तो आया था कि मतलब कि आ जाएगी। बहुत लोगों का क्वेश्चन भी था कि भैया आ जाएगी, टाटा पंच जैसे देखने में लगती है, लेकिन भाई देखो अब जो भी है सो है। प्राइस पॉइंट की बात करें तो 15 लाख रुपए से एक्स शोरूम इसका प्राइस पॉइंट शुरू होगा और लगभग 20 लाख रुपए तक की ऑन रोड जाएगी। नेक्सॉन 19 तक आती है, ये 20 तक जाएगी बस। लेकिन अगर लुक वाइज देखा जाए तो नेक्सॉन से काफी ज्यादा बेहतर लगती है। और बहुत लोगों का कमेंट ये भी रहेगा कि भाई फुल चार्ज करने पर ये कितना चलेगी, तो भाई 400 किलोमीटर की रेंज दिखाती है कंपनी, मतलब दिखा रही थी कॉन्सेप्ट में कि इतना जो है वो चल जाएगी। और हाईएस्ट जो भाई आप लोगों की चार्जिंग है, चार्जिंग टाइम की अगर हम बात करें तो लगभग 60 मिनट में 80% जो है वो चार्ज होने का टाटा जो है वो इस चीज़ का दावा करती है। लेकिन अब क्या है क्या नहीं है उसके बारे में क्या ही बोलें। तो भैया देखो, अगर कॉन्सेप्ट आया है तो आएगी ज़रूर, जैसे कि टाटा कविन्या भी ला चुकी है, करर भी ला चुकी है, मतलब बहुत सारी डिफरेंस गाड़ियाँ लाती है, पहले कॉन्सेप्ट लाती है उसके बाद क्या है भारत में लॉन्च भी कर देती है। तो देखो भैया, जब आएगी तो आप लोगों को पूरी डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।